पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी लगातार चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगा रही है। अब बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। हालांकि मुलाकात आज होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। बता दें कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अभी तक विधानसभा चुनाव के बाद 50 लोगों की हत्या हुई है। यह प्रतिनिधि मंडल बंगाल में ममता सरकार द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले में फंसाने की भी शिकायत करेगा। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुकी है और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मानवाधिकार आयोग की टीम विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही है। इसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई है लेकिन बंगाल सरकार ने आरोप से इनकार कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा नहीं हुई है। इस बीच भाजपा के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस जीपे एंड फोन पे 9831060581।